नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरेली जनपद में दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में रिक्रूट फायरमैन के दीक्षांत परेड की सलामी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बरेली द्वारा मान प्रणाम ग्रहण किया गया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करने एवं कर्तव्यों की शपथ कराते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके उपरांत मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बरेली द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूट फायरमैन को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, पुलिस अधीक्षक नगर बरेली, पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद बरेली, पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद बरेली सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और जब एक बार मुलाकात होती है तो बहुत आत्मीयता से मिला जाता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन मुलाकात जरूर होती है, खुशी के साथ साथ बिछोड़ना भी है। आज आप ये ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के अपने अपने इकाइयों में आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बहुत ही रमणीक, बहुत ही आकर्षक दृश्य आप इस दीक्षांत परेड के सबसे अंतिम पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं। हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ पर आपको शपथ पढ़ाई जाएगी। शपथ के साथ ही आप उत्तर प्रदेश बेड़े में सम्मिलित हो जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, कृपया शपथ पढ़ाने की कृपा करें। मैं पुत्री शपथ लेता हूं कि भारत तथा कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति चैतन्यता परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूँगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा, जिसमें ईश्वर मेरी सहायता करें। उत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।